ये फीस्ट आ गई। कितने की ये? ये 110। ओए नहीं लेनी मेरी महंगी ले ले मैं का। ये कितने? और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाद खान और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल फ़ाद खान व्लॉग के नाम से। वेलकम करते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में। और जब मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मज़ा भी आता है या नहीं आता। और दूसरे नंबर पर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ दिखाए सियालकोट में, कोई भी मशहूर चीज़ वगैरह कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से मुझे इजहार कीजिएगा कि आप इस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलेंगे, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि इस बारे में आप मुझे वीडियो बना के दें, कहीं घूमना है कुछ सियालकोट में, कोई चीज़ दिखानी है खाने पीने में, डिस्काउंट पर या ब्रांड पे कपड़ों के बारे में, किसी भी बारे में आप अगर बोलेंगे मुझे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए स्पेशल वो वाला व्लॉग बनाऊँगा। तो आप मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इजहार लाजमी कीजिएगा। और मैं आपके बच्चों को ये नसीहत करना चाहता हूँ कि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं तो टेंशन वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अपनी फैमिली के अंदर भी बैठ के मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं बच्चों को ये नसीहत करूँगा कि अपने पेरेंट्स की बात माना करें। आप मुझे पता है वॉच करते हैं यूट्यूब और मोटू पतलू जो भी कुछ चैनल्स आप देखते हैं, तो बेशक देखें उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो दिया करें। और दूसरे नंबर पर अपने माँ बाप का कहना माना करें और अच्छे अच्छे काम किया करें, ताकि वो भी आपको मना ना करें कि आप में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़। आप सोच रहे होंगे पता नहीं फाद आज सांप पकड़ के लेकर आ गया, देखते हो भी सकता सांप भी हो इसके अंदर, लेकिन देखते हैं आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। मेरा कैमरा मैन पास आइएगा। सांप निकालते ओए काट रहा है, झूठ बोल रहा, कोई सांप नहीं है, ये तो लूडो की गोटी है, इसको बाद में दिखाएंगे। ये चेस के पीसीज हैं सारे मेरे पास, और मैं कुछ आपको प्रोडक्ट और दिखाना चाहूंगा इसके अंदर क्या क्या चीज है। ये कुछ मैंने चेस के पीस बनवाए थे, ये मैं आपको बताता हूँ इसको कि कहाँ से मैंने बनवाए थे और किस तरह मुझे मिले, तो मैं आपको ये एड्रेस बताऊँगा अगर आप कमेंट करेंगे कि ये कितने में मिले या कहाँ से मिले, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड तक व्लॉग देखते रहे, एंड पे बता दूँगा। चलो मैं प्राइस बता दूँगा और बंदे का बंदा नाम बता दूँगा कहाँ से मिले। चलो ये वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको एंड पे बताऊँगा इसके प्राइस के बारे में भी और ये मैंने कहाँ से मंगवाए। पहले आपको मैं इनकी कैटेगरी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे नाइट को, ये बच्चों को तो पता नहीं होगा, आप अगर चेस खेलते हैं तो आपको पता है ये नाइट होता है, शतरंज में खेला जाता है और घोड़ा होता है ये, इसको नाइट कहा जाता है। ये देखें कितना प्यारा कितनी खूबसूरती से बनाया है, ये लकड़ी का है, ये पूरा वेटेड है, इसके अंदर वेट ऐड है प्रोफेशनल तरीके से। दूसरा पीस है की वाला है, ये चेक करें कितना खूबसूरत है। अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। और इसको बोलते हैं क्वीन, ये होती है क्वीन मलका, इसका बहुत हाथ होता है चेस के अंदर, जो जो शख्स खेलता है उसको ज़्यादा पता होगा ये क्या चीज़ है। ये देखें कितने खूबसूरत बना हुआ है पीस, इसके अंदर भी वेटेड है, वेटेड है। ये है हमारा राजा, इसको बोलते हैं किंग, ये चेक करें ये कितना खूबसूरत है, बनाने वाले की महारत चेक करें, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और आपको बताऊंगा कहाँ से ऑर्डर किए थे मैंने ये, और ये मुझे सब पीस कितने में पड़े बता दूंगा मैं। एक ये पौन है, इसको पौन कहते हैं प्यादा उर्दू में, ये सबसे आगे होते हैं, मैं बताऊंगा आपको खेलने का तरीका भी
सब कुछ बताऊंगा। प्यादा चेक करें कितना खूबसूरत है। तो होगा मेरे इम्पोर्टेड पीस, और अब ये देखें, ये मैंने आम मार्केट से खरीदे, इसमें उसमें कितना फर्क है। हैं ये भी वुड के बने हुए, वुड में बने हुए, लेकिन ये खूबसूरती में बहुत फर्क है। ये आपको मिसाल देता हूँ, जैसे पहले ये देखें ये आम है। ये नाइट के बारे में देख लें, ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये नाइट, और ये नाइट देखें, ये मेरे फिंगर के डेढ़ ब्लॉक में ख़त्म हो जाता है, और ये देखें कितना बड़ा है, और इसकी फेस कट में देखें कितना फ़र्क है। फ़र्क क्या, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खूबसूरती देखें इसने उसमें देखें, और आपको मैं बाद में एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये किंग देखें, और लोकल किंग देखें, क्वीन सॉरी, ये याद है, ये देखें, ये लोकल है, मतलब है तो मेड इन चाइना, ये इम्पोर्टेड ही होती है, लेकिन ये इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये चीज़ चेक करें, ये जो मैंने खुद बनवाई है, ये चेक करें और ये चेक करें, इसके अंदर ये कपड़ा भी नहीं लगा होता है, मैंने खुद लगाया, सब कारिस्तानी मैंने खुद किए, लेकिन ये पीछे से लगा हुआ है, प्रोफेशनल है ये पीस खेलने के लायक। और ये प्यादा, और ये प्यादा, ये प्यादा और ये प्यादे में फ़र्क देखें, देखा, ये तो हो गया। बाकी ये देखें, ये मेरा चेस बोर्ड है, इस पे रख के खेलते हैं। ये भी प्योर वुड में बना हुआ है, ये वो ये किकर की लकड़ी लगी हुई है, और ये वो जो होते हैं दयाल की लकड़ी होती है, जो दयाल होता है, ये दयाल में और ये कीकर में, ये बॉर्डर लगा हुआ है सारा कीकर में। देखें कितना मोटा और कितना भारी है ये बोर्ड। ये भी मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया, ये सिर्फ समझो मुझे गिफ्ट ही मिल गया, मैंने बनवा लिया जितने में बनवाया, लेकिन इतने में बनता नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको प्राइस के बारे में भी सबके बारे में बताऊंगा। खेलने का तरीका, उसको रखने के पहले आपने पीस रखने कैसे इसके ऊपर, तो मैं वो तरीका बताता हूँ आपको। ये जो क्वीन होती है ये इधर आती है, ये जो होता है किंग ये इसके साथ आता है, किंग मरा तो गेम ओवर, फिर उसके बाद बिशप इधर, फिर इसके बाद दूसरा बिशप, इसको बिशप कहते हैं, ये बिशप होता है। क्योंकि चंद पीस मैंने बनवाए थे ऑर्डर पर, तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे, लेकिन लोकल फिर मैं यूज़ करता हूँ, बताता हूँ। फिर ये आएगा, फिर इसके बाद नाइट आएगा, फिर इसके बाद चले अच्छा वाला नाइट एक लगाते हैं, एक नाइट इधर आएगा, एक नाइट इधर आएगा, एक नाइट इधर आएगा, फिर इसके बाद होते हैं, इसको किला बोलते हैं, आम जुबान में किला बोल, इसको रोक बोलते हैं इंग्लिश में, इसको रोक बोलते हैं। और ये होते हैं प्यादे, ये आठ प्यादे होते हैं, ये सामने लगते हैं, ये हमारा हो गया मुकम्मल सेट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको उर्दू में भी साथ साथ नाम बताऊँगा, इसके इंग्लिश में भी नाम बताऊँगा। ये रॉक होते हैं, इसको किला भी बोलते हैं, फिर इसके बाद ये नाइट होते हैं, इसको घोड़ा बोलते हैं, इसके बाद ये बिशप होता है, इसको हाथी बोलते हैं, और फिर ये होती है क्वीन, और ये होता है किंग, और ये होते हैं प्यादे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉन, ठीक है। इनकी सबकी अपनी अपनी चाल होती है, आप जैसे मैं मिसाल के तौर पर आप ऐसे नहीं आ सकते इसके ऊपर, कहीं से ऐसे नहीं जा सकते आप, लेकिन इसको जैसे फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे आपने ये प्यादा चला आगे, तो आप क्वीन अब इसको अपनी लाइन पे लेके जा सकते हैं इस तरह। ये एक सैंपल के तौर पे आपको बताया, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, तो नेक्स्ट व्लॉग में कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊँगा कि इसको खेलते किस तरह से हैं। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको खेलने का तरीका पूरा प्रॉपर बताऊँगा। और इसी तरह ये तो मेरी टीम हो गई, इसी तरह ऑपोजिट वाली टीम होगी, वो भी इसी तरह यहाँ पर बैठेगी, ठीक है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिए टोटल पीसेस, देखें जिस तरह मेरे पीस हैं इसी तरह ऑपोजिट जो टीम होगी सेम उसी के भी ऐसे पीसेस लगेंगे। बादशाह के सामने बादशाह आना चाहिए,
मलका के सामने मलका आने चाहिए, बिशप के सामने बिशप आने चाहिए, नाइट के सामने नाइट आने चाहिए, रोक के सामने रोक आने चाहिए, प्यादों के सामने प्यादे आने चाहिए। इनके अपने अपने रूल्स होते हैं इसके अंदर। ये जो आप डब्बे देख रहे हैं बिला वजह डब्बे नहीं बनाए हुए उन्होंने ब्लॉक्स, इसका मतलब ये होता है कि ये हर पीसेज ने अपनी अपनी चाल के मुताबिक आगे चलना होता है। जो ब्राउन में जाएगा वो ब्राउन में जाएगा, जो येलो में जाएगा वो येलो लाइन में जाएगा, जो प्यादा होगा वो सीधा सीधा चलेगा। इसके मारने की चाल अपोजिट होती है किसी और तरीके से, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइम जब भी मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप पहले कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इंटरेस्ट है इसको सीखने का, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरी गेम ये समझा दूंगा। अब आते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आप ये देखें कि ये दो नाइट्स मैंने 5000 में बनवाए थे आज से एक साल पहले। ये 5000 में मुझे दो नाइट्स पड़े थे, लेकिन वो जो बनाने वाला मेकर था उसको कुछ इश्यूज थे, उसका कुछ और भी ऑर्डर था, तो वो मेरे दो नाइट्स उसने मुझे भेज दिए थे, दो नाइट्स उसके पास कम थे, तो वो कहता था यार आप अपने नाइट्स दोबारा मुझे भेज दो, डिलीवरी कर दो, तो इसका सारा खर्चा मैं उठा लूँगा, आपको 5-6 महीने में टाइम दूंगा, आपको मैं दोबारा भेज दूंगा, लेकिन मेरा ऑर्डर एक ना रुका हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं यार, मैं वेट कर लूँगा, आपका काम होना चाहिए। तो मैंने नाइट्स वापस उसको भेज दिए थे, फिर उसने कम से कम मुझे एक साल बाद ही मुझे बना के दोबारा भेजें। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम थी, वो आपको तो हर चीज़ नहीं बता सकता ना, लेकिन उसी वजह से उसने मुझे लेट दिया था एक साल बाद ये मुझे नाइट्स मिले। लेकिन उसने कहा कि फाद भाई आपको मैं गिफ्ट ज़रूर दूंगा, आपने ये नाइट्स का इतना वेट किया, आपने मेरी हेल्प की थी, अब मैं आपको नाइट्स के अलावा आपको कुछ और पीसेस गिफ्ट करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सैंपल के तौर पे ये दो नाइट्स और किंग, ये दो मुझे उन्होंने ये चीज़ दो सैंपल की, ये सैंपल गिफ्ट किए और एक ये प्यादा किया। इन्होंने मुझे 1, 2, 3, 4, 5 पीसेज इन्होंने मुझे गिफ्ट किए, दो तो मेरे अपने थे, तीन इन्होंने मुझे गिफ्ट किए ये वाले, ये जो चीज़ देख रहे हैं आपने तीनों पीसेज। तो और बाकी ये मुझे 5000 में ये पड़े थे, लेकिन ये वो कहते हैं कि मैं 17000 में भी बना के देता हूँ ये पूरा सेट, अगर आप इस कैटेगरी के सेट चाहते हैं, इस कैटेगरी के तो 17-18000 रुपये इसके प्राइजेज हैं पूरे सेट के, अपोजिट वाले के भी अपने भी जो दोनों पूरा के पूरे चेस में इस्तेमाल होते हैं 17000। इसके अंदर 12000 वाला सेट भी है। और बाकी जो लोकल पीसेज थे ये मैंने 500 रुपये में लिए थे, ये सियालकोट से मैंने परचेज कर लिए थे, सियालकोट में मिलते हैं सब कुछ। तो इसका बोर्ड भी सियालकोट में मिलता है, वो लोकल मिलता है, वो प्लाईवुड होती है वो ऐसे फोल्डिंग वाली, तो उसका कोई मज़ा नहीं, ठक ठक आवाज़ आती है। ये मैंने प्रॉपर बनवाया है, तो ये मैंने बनवाया था 10000 में, ये खाली जो बोर्ड है ये 10000 में बनवाया था आज से ये भी कोई एक साल पहले। तो अब तो इसके भी प्राइस काफ़ी बढ़ गए होंगे, 10-12000 से तो ज़्यादा ही होंगे, 12-14000 में आपको ये बोर्ड मिलेगा, 12000 के ये आपको पीसेज मिलेंगे पूरा सेट। अगर आप 1-1 पीसेज मंगवा सकते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं, वो थोड़े सस्ते पड़ेंगे, लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है, फिर आपको पूरा सेट नहीं मिलेगा। तो बाकी रह गई बात ये मैंने मंगवाए कहाँ से, ये मैंने सरगोधा से परचेस किए थे। सरगोधा में पता है आपको हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ से मैंने ये परचेस किए थे, मैंने उसका नंबर लिया था अपने ज़रिए से, तो उससे मेरे फ़ोन कॉन्टेक्ट हुआ था, तो फिर उसने मुझे बना के दिए थे। भाई वो जो बनाते हैं वो पहले के आपसे इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट ले लेते हैं, हाफ पेमेंट ले लेते हैं, आपका ऑर्डर लग जाता है, फिर वो 2-4 महीने में या महीने के अंदर अंदर अगर आप उसके पास हो गुंजाइश तो जल्दी कंप्लीट हुआ हुआ हो तो ऑर्डर तैयार होता है, तो फिर उसके बाद वो आपको जब वो सेंड करते हैं फिर टोटल पेमेंट आपकी टोटल लेकर वो आपकी होम डिलीवरी फ्री कर देते हैं, होम डिलीवरी आ जाती है, डायवो से भी आ जाती है, TCS लेपर्स कोई भी, तो उसके ज़रिए वो आपको सेंड कर देगा। तो अगर आपको ज़रूरत होगी पीसीज बनवाने की आप मुझे बताइएगा या मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जब मैं उसका नंबर ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या मैं आपको कमेंट में नंबर जिसके मुझे कमेंट्स आएंगे मैं उसको कमेंट में नंबर दे दूंगा उस भाई का जिसे बनाने होंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये चीज़ मिलेगी। चलिए चेस की कहानी तो हो गई ख़त्म, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें कितना बड़ा मैंने लूडो बनवाया हुआ, ये भी देखें कितना वजन है, भारी और अच्छा है, ये देखें आवाज़ है कर भारी, इसने प्लाई में बनवाया है। ये भी मैंने बनवाया था इधर सियालकोट से ही, तो ये भी कोई कम से कम एक साल हो गया मुझे बनवाए हुए, ये भी 1200-1300 का था उस ज़माने में बना था, जितनी महंगाई है ना ये भी अब आपको 2000 से नीचे बनने वाला नहीं है, मतलब मिलेगा नहीं आपको 2000 से नीचे। इसकी भी देखें ये कीकर में वुड जो होती है ना वो लगवाई हुई है, और इसे डबल प्लाई लगवाइए, इसकी प्रिंटिंग चेक करें, और खेलने का अपना ही मज़ा है इसके अंदर। ये इसकी गोटियाँ वगैरह, ये हमारे सियालकोट स्पोर्ट्स सिटी है आपको पता ही है, देखें
पूरी चेस लो, चार मेहमान आ जाए आपके पास तो आप पूरा अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, अब तक के लिए तो इतना ही, लेकिन आपको और भी लोग ये दिखाते हैं मैं आपकी रूटीन में क्या क्या करूँगा। चले आए, मूंग की दाल है ये, इतनी ज़बरदस्त बनी है ये सैलेड। इस तरह मैं खाना खाता हूँ, ये दाल के साथ मुझे लाजमी ये टमाटर और प्याज चाहिए होते हैं, और ये जो मिर्ची होती है ना इसका तो अपना ही मज़ा है। चेक करके देखते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है। देसी तरीका, मज़ा लेना, यूं करना आपने, अभी मैंने लंच किया है और बहुत ही मज़ा आया है। आपको मेरे फेस से पता चल ही गया होगा कि कितना स्पाइसी खाना था। भाई जान, व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है, एक तो सारा दिन की थकन, वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, बहुत बड़ा प्रोसेस है। सारा दिन रात तो मुझे लग जाती है, नींद भी सही तरह पूरी नहीं हो पा रही। और आपको पता ही है कि व्लॉगिंग करने के लिए कैमरे से ना फ्रेंडली होना पड़ता है, और ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप भी कैमरे से बातें करना सीख गए ना तो बहुत बड़े व्लॉगर बन सकते हैं। जी जनाब, क्या खिलाने आए हो आज मुझे? आइसक्रीम आज इतराऊं केड़ी जे आओ तुसी है कि नहीं जे डोनट जे ज्यादा बड़ा ठंडा है कि नहीं जे डोनट भाई जान थोड़ी देर के लिए मैं इसके अंदर बैठ जाऊं, बड़ा मजा आएगा यार, इतनी गर्मी है। 110 बाद खानी है केड़ी है डोनट है ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਯਾਰ, ਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਜੀ ਵਾ ਕੋਈ 5-7 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੀਸਟ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? 110 ਓਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੋੜ ਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿ ਨਾ ਇਹ कितना टोटल वैसे कितना हो गया? 220 हो गए। 20 ले ले, 200 कल ले ले, 20 रुपए दे, 200 कल दे देंगे, आधार कार्ड लेंगे हो हैं? हेलो कर लूंगा, 800 बकाया दे छोड़ो। भाई कितने अच्छे कह रहे, हां उधार भी कर लूंगा। पकाया ये ना भाई, पैसे भी ठंडे, ठंडे पैसे हैं, पैसे भी ठंडे। वाह, ये अदा भी अपना ही मजा है। हाँ जी फवाद भाई, मजा ए टू जेड मजा है। पिघलन नहीं दी भाई, ये फीस है सही होती है, फीस है सही होती है। आपने पहली दफा महंगी चीज कुल्फी खाई है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।